हाँ तो जी राम राम जी सारे ने, उम्मीद करूँ सारे ठीक हो गए। तो स्वागत है आपका अपने एक और नए ब्लॉग में। तो आज मेरा भाई मिल गया मैंने, हमारे घूमना रहे थे मकान का, बाद में जावांगे, देख लो यो पहला ही मिल गया। और भाई ठीक है, है? ठीक है जी, ठीक है भाई। तो इसके साथ कौन आ रही है, सोन आ रही है, कौन आ रही है भाई? पाड़ली कुत्ता ने, ओ भाई ओ, ए कित गया सोनड़े, ए कित गई सोना, सोना सोना यार ये साथ में। तो सोना ने, सोना ना मैं तुम्हें ना बना दिया अंदा भाई, सोना ना संभालिए रे, सोना ने पाड़ा सोना, मैं तो डर, मैं सोना तो डरना लाग रही हूँ। देख लो या सोना लेकर है मेरा भाई, भाई जो पाड़ था कोनी के पाड़ा भाई, देखिए भाई नुका दिया मेरी बेबे नु, कैसे ना ना पाड़ी है, कह दे हाँ कह दी भाई, देख ले सोना ईब अपनी होली है डील, ईब मेरा भाई ना कह दी ईब ना पाड़िए, या देख लो सोना सब का गला राजी हो रही है, सोनड़े तो उसी को तो बोलते है बेटा, सोना सोनड़ एक ही बात होती है। तो जी आज बनाने की तैयारी चल रही है मोमोज, मारिया बड़ी बहन की लड़की है जो लक्की वहाँ बनाओगी मोमोज, तो यह इसकी मौसी काटने लग रही है मोमोज, काटते हुए कुकर काटने छोटे छोटे काटने हैं ये, तो जिसने भी मोमोज खाने हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका, आ जाना देख ले नंद कद मोमोज बना कर खुआऊंगी माँ, कोई बात नहीं या भी बाड़ का है बराबर है, खुआ देंगे कोई बात ना भाभी, ठीक है भाभी टेंशन ना ले, तेरी नंद जिंदाबाद से। अरे या देख या कितनी उसन की परी, या काटन लाग रही है, या काटन लाग रही बंद गोभी, अरे या बहकी सभी जुबा है हम है हजारों में, अब की कमी जरा है। हाँ तो जी या मोमोज की तैयारी चल रही है, तो या मेरी बेटी बनाओगी मोमोज बना कर खुआओगी सारी है न, तो या मेरी बेबे काटने लग रही है सामान सारा तैयार करे है, कद खुआओगे कोई बात ना भाभी बना कर खुआ देंगे टेंशन ना ले, या मेरी बेबे गणी जी बोलो पर के मारे गुड़िया। अच्छा किंचू के बात है खानी है बेटा? हाँ। अच्छा दे ले दो फार्म सारे, या नहीं नींद नहीं आंदी है, बाट देखा कोट पे बनाओ गया छोरी, बना दे लक्की चक दे फट्टे, मैं इस लक्की की हेल्प करूंगी मोमोज बनाने में, और कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, इतने टेस्टी टेस्टी मोमोज बनाएंगे, आने भी आना। हाँ ये तो आवेंगे और के, तुम बना तो दो एक और मन्ना तो खुआ दो, फिर आप पे आ जाएंगे, फिर मैं बताऊंगी ना इन भाई किसे बनाए थे। आई इतनी देर होगी तेरे पे बिना कटे हैं के कोट पर की होगी है, कोट पर की काटन लग रही है कभी छोट इसमें टाइम लगता है बनाने में, अच्छा मतलब छोटे छोटे काटा करेगी, हाँ बिल्कुल बड़ी काटने पड़ती है। अच्छा यार उबड़ने इधर दिए हैं टमाटर और ये लाल मिर्च, इस तक के बनाओगी लकी चटनी, चटनी मोमोज की स्पाइसी वाली। अच्छा हाँ तो जी यहाँ शिमला मिर्च और बंद गोभी छील दी है, ये प्याज काटने लगी है, तो और क्या क्या काटना है लक्की बता? और इसमें लहसुन काटना है, धनिया और हरी मिर्ची, ठीक तो उसके बाद हो जाएगा ये मसाला रेडी, ठीक हाँ। है उसके बाद ये मसाला करना थोड़ा फ्राई करना है हाँ। चलो ठीक है उसके बाद ये एक बार मसाला रेडी होने दो, उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस दिखाती हूँ मैं आपको। चलो करो ईब के कणा लक्की टमाटर के कणा, इसका पापड़ उतार के इसकी मिक्स बना, वो बनाओ चटनी बनाओगी हाँ, अब इसका छिलका उतारा जाएगा, दे छिलका तो सही उबड़ जाए, उबाला पाचे ना छिलका सही उतरे है। हाँ तो जी ये बनन लग रही टमाटर की चटनी, इसमें के लिए टमाटर हरी सॉरी लाल मिर्च और लहसुन, इसका पेस्ट बनाकर वह चटनी रेडी हो जाएगी। क्या उ लग गई खाज करने गैल गैल ए यो तेरा मसाला रेडी होगा ना होगा, कोट पर की लग रही है कितना टाइम लगेगा, कितनी देर होगी, यो सामान चीरा नहीं गया इस पे तन्ने बनाए कदे मोमोज, ये अभी वो चटपटे सौदे बनाया कर, पर आज मैं खाले हम तन्ने खुआवांगे तू बैठी रह आराम ते।
तो आड़े मसाला कर दिया रेडी। ये क्या की बात देख कर बेबे तू? नमक और मिर्च लिया कर दे इसने। यहाँ मैंने सब्जी सारी चीज दी है और इसके अंदर अब मैं नमक मिलाने जा रही स्वाद अनुसार। और अब नीरज जी आपको जितनी ज्यादा मिर्च खानी है उसके अनुसार आप मिला सकते हैं। हम तो बहुत कम ही खाते हैं इसीलिए। हाँ कम की खा इतनी मिर्च खाना लग रही है। चम्मच तक अगरबत्ती मिला हुई है वे तो हाथ तो मिला देना है। हाथ से मिलाना चाहिए। हाथ तो मिला दे जल्दी मिल जाएगा। ये प्याज निकल गई एक। ये नमक मिर्च और मसाले मैंने मिला के इसके अंदर। और मैं तो चीते मैं तो मुंह में पानी आ रहा। मुंह में भी पानी आ गया और आंखों में भी पानी आ गया है। आंखों में क्यों आया गुड़िया बता दे? क्योंकि प्याज काटी है और मुंह में आ गया है। मुंह में तो आना ही था क्योंकि मोमोज बनाने लग रहे हैं। यारे बनाने लगी है भाभी टमाटर की चटनी। चलाओ क्या हो गया? तो यारे बना दिया टमाटर की चटनी तैयार। तो इधर ये मसाला होने लग रहा है रेडी। थोड़ा सा कच्चापन रखना ज्यादा निकलना। हो गया ये सामान तैयार। आए लक्की तू क्या फिर तू बनाओगी? आए रेनु क्या कहना चाहोगी? मैं तुम्हें कहना चाहूँ क्या सारा काम तुम्हारे पर करवाने लग रही है ना मुस्का हो जाएगा। कोई बात ना बालक सो बात है। हां तो उसका क्रेडिट दे देंगे असल में मान की छोरी से के करा सारा क्रेडिट लकी नहीं जाओगा। दया बिचारी ना है इसरा भी काम करे बहुत घना काम करे करन लग रही है छोरी भी। तो इधर ये आटा गूंद का हो गया रेडी। जल्दी गूंदे गुड़िया। तो इधर ये मैदा हो गया है रेडी। मैदा गूंद दिया है। हाँ तो जी क्या कहना चाहोगे आप? क्या कह रहे थे? ये को दी क्रेडिट तो इसलिए देवा उसने कि ना सब कुछ तो हमने तो पता लगा ये नो कर लो नो कर लो इसलिए क्रेडिट तो सी देना पड़ेगा हमने। ये कहा और की या भाभी बिचारी चढ़ा के कटोरी भर भर लिया है। अरे इसके ननंद खाजे हैं देख भर भर मुट्ठी। कदे तो यह खाजा है और कदे यह खाजा है। मैं तो थोड़े कमे खाऊ मेरी थोड़ी आदत कमे से नहीं किता। मैं तो गुड़ गुड़ लिया था ना। ये इसके अंदर मैं ये रोटी बना दी है मैदे की छोटी सी पतली सी। तो इसके अंदर अब मसाला बनन लग रही है। लक्की जैसे फोल्ड कर कैसे करना है? बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की। अच्छा ये पोटली बना दी है। वेरी नाइस बहुत अच्छी बनाई भाई। वाक्य में क्लैपिंग करो सब इसके लिए। तो इधर ये में मोमोज को हमने शेप दे दी है। तो इसको तेल लगा दिया। तेल लगा के फिर ये रखे हैं और ये तब इसका ही तेल लगावा छालने का और तो कोई राज था वो ना। हाँ तो जी मोमोज बनकर हो गए हैं रेडी। तो ये हम खा लें इन फटाफटे तो टेस्ट करके बताएंगे कैसे लगी। हाँ तो जी देख लो इस बेबे ने तुरपाई कौन ही नहीं आया करती। आज यह चश्मे भी पीड़े ला रही है। चश्मे पीड़े ला कर सूट सिलने लग रही है। इसने अपने वर्कर बिठा रखे कड़ा है कारीगर सारे कारीगर है। कस्टमर कौन से आपके जी? आप किसने कस्टमर कह रहे हो? कस्टमर तो ये है सूट देने ही आ रहा है कारीगर ये बिठा रखे। अच्छा तो देख लो मेरी बेबे भी चश्मे भी पीड़े ला रही। मेरी बहन ने देखा ये ऊपर मुख रही है। ये फैशन वाले चश्मे ये नजर आ रहे ना ये क्योंकि इसी में दिखता है मुझे तो। अच्छा अच्छा आज का व्लॉग मैं कर देती हूँ यहीं पर समाप्त। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग।